आज मैं लेकर आई हूँ टिफिन की बहुत ही यम्मी सी रेसिपी। इसे आप जब एक बार बच्चों को टिफिन में देंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा, वो रोज रोज इसी तरीके के टिफिन की डिमांड करेंगे और खुश होकर अपने टिफिन को फिनिश करेंगे। और इसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे बहुत ही झटपट से बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू ब्लॉग्स एंड रेसिपी, और मैं हूँ खुशबू। तो चलिए फिर मिलकर बनाते हैं आज की मजेदार सी रेसिपी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक वाले बटन पर प्रेस करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम ले लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। यहाँ पे आप कोई भी आटा ले सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बनाना है तो थोड़ा सा हेल्दी बनाएंगे, इसलिए मैंने गेहूं का आटा लिया है। आधी छोटी चम्मच इसमें डालेंगे नमक, आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ा सा कम ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच इसमें डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को ऐसे हाथ में लेके ऐसे थोड़ा सा हल्का सा क्रश करके और फिर इसको डालेंगे। अजवाइन से डाइजेशन अच्छा रहता है और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है, पेट दर्द वगैरह में इससे आराम मिलता है। अब हम यहाँ पे 1 छोटी चम्मच घी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं देसी घी डाल रही हूँ, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसमें अच्छा सा बढ़िया सा क्रिस्पीपन आएगा। इन सभी चीज़ों को डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे ऐसे आटे को मसल मसल के। तो ये देखिए आटा जो है ये बहुत ही बढ़िया फॉर्म में आ जाएगा। अब हम ले लेंगे पानी इसको गूंथने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बड़े कप में 1/2 कप पानी लिया है, तो देखते हैं हमें कितना पानी चाहिए होगा इसको गूंथने के लिए। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसमें इसको अच्छे से एक डो बना लेंगे। वैसे तो आटा गूंथना हर किसी को आता ही है, तो वैसे ही एकदम सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आटा जो है अच्छे से गूंथ गया है, लेकिन अब हथेली के जो पीछे वाला पार्ट होता है ना उससे ऐसे इसको पंचिंग करेंगे, इससे आटा जो है एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे एकदम सॉफ्ट आटा बन के रेडी हो गया है। तो इसको हम थोड़ी देर ऐसे रखेंगे। और ये देखिए पानी मैंने यहाँ इसमें 1/2 कप लिया था और उसके भी 1/2 पानी यूज हुआ है। तो आप इसी तरीके से सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार कर लें। अब हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये इसको अच्छा सा रेस्ट मिल जाए और आटे में सारे मसाले का फ्लेवर बढ़िया सा आ जाए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आटा गूंथ के डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अभी 10 मिनट हो गया है तो ये आटा जो है अच्छे से फूल गया है, मतलब अच्छे से इसको रेस्ट मिल गया है। एक बार हम इसको फिर से सॉफ्ट कर लेंगे ऐसे हाथों से करते हुए, और फिर हम इसको हाथ में लेके और ऐसे इसके 1/2 पार्ट में कर लेंगे और इसको 2 भाग में करके इसको 2 लोई बनाएंगे बड़ी बड़ी सी। अब हम ले लेंगे 1 चौकी बेलन या पाटा बेलन, जो भी आप कहते हो, जिस पे रोटियां बेलते हैं। तो ये लेके इस पे हम 1 लोई रखेंगे और इस पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, ऐसे चारों तरफ सूखा आटा लगा लेंगे तो इसको बेलने में इजी रहेगा। और ये देखिए इसलिए मैंने नीचे 1 कपड़ा भी बिछा लिया है ताकि अगर आटा गिरे तो उसी पर गिरे, क्योंकि स्लैब गंदा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। अब हम बेलन ले लेंगे और इसको अच्छे से ऐसे रोल करते हुए बेल लेंगे। इसको बड़ी सी रोटी बेल के तैयार करना है। आपको अगर ज़रूरत लगे तो बीच में सूखा आटा 1-2 बार फिर से डस्ट कर सकते हैं। इसे हमें नॉर्मल रोटी से थोड़ी बड़ी बेलनी है, तो यहाँ पे थोड़ी बड़ी रोटी बेली है और ये इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये थोड़ी मोटी भी है। तो इसी तरीके से हमें मोटी और थोड़ी सी बड़ी रोटी को बेल लेना है। अब हम ले लेंगे 1 ग्रेटर और इस पर हम डालेंगे पनीर घिस के। तो पनीर को ऊपर से अच्छे से ऐसे कद्दूकस करते हुए डाल दें। इसको पतले वाले हिस्से से ही कद्दूकस करें। ये तो मैंने छोटा वाला कद्दूकस लिया है, अगर ये है तो आप इससे कर लें, नहीं तो अगर बड़े वाला ले रहे हैं तो उससे भी जो पतला वाला साइड होता है उसी से घिसें, नहीं तो पनीर अगर ज़्यादा मोटा रहेगा तो फिर इसे रोल करने में परेशानी होगी। तो इस तरीके से चारों तरफ फैलाते हुए मैंने पनीर को घिस दिया है। इसकी जगह पर आप चाहें तो उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका बच्चा जो भी पसंद से खाता हो आलू या पनीर उसका इस्तेमाल करें। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक काट के डाल सकते हैं अगर अपने खाने के लिए बना रहे हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप ही करें, क्योंकि बच्चे हरी मिर्च की वजह से खा नहीं पाते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे ऑरगेनो। ऑरगेनो से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है जो बच्चों को बहुत ही पसंद होता है, और बच्चे बहुत ही पसंद से इस नाश्ते को खाते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डाल रही हूँ धनिया पत्ती, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो स्किप कर दें। अब हम दोनों हाथों से इसके साइडों को पकड़ के और ऐसे हम इसको रोल करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने एक बार थोड़ा सा रोल कर लिया, उसके बाद से ये साइड से इसको ऐसे हम मोड़ देंगे अंदर की तरफ, और दूसरी साइड से भी ऐसे ही मोड़ देंगे अंदर की तरफ, ताकि इसका जो है ये सब जो हमने भरा है ना अंदर पनीर वगैरह ये सब बाहर ना फैले। तो इस तरीके से करके हम इसको पूरा ही रोल कर देंगे।
ये देखिए इस तरीके से बहुत ही बढ़िया रोल हो गया है, और हाथों से हम एक दो बार ऐसे कर देंगे तो ये किनारे वाला जो साइड वाला पार्ट है ना, ये भी इसमें अंदर से अच्छे से चिपक जाएगा। अब हम ले लेंगे एक चाकू या एक पिज्जा कटर, उससे हम इसको ऐसे बहुत ही आराम से कट करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आराम से कट करना है, बहुत ज़्यादा जबरदस्ती करके कट करेंगे ना तो ये सारा फैल जाएगा। तो बहुत ही आराम आराम से कट करके इस तरीके से हम सारा इसको कट कर लेंगे। अब हम इसको दोनों हाथों के बीच में रखेंगे ऐसे, और इसको ऐसे दबाते हुए चपटा देंगे, और फिर इसको ऐसे अंगूठे से थोड़ा सा दबाते हुए राउंड राउंड में घुमा देंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो जाएगा। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप बीच में हथेली में थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा सकते हैं अगर ये चिपकने लगे तो। ये देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है, देखने में भी कितना अच्छा दिख रहा है। तो हम इसी तरीके से ये सारे बना लेंगे। ये मैंने यहाँ पे सारे बना के रेडी कर लिए हैं, तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। इधर मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है गरम होने को। आपको मैं पहले ही बता दूं, आप चाहें तो इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, तवे पे थोड़ा थोड़ा तेल डाल के और इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने हाथ से देख लिया, ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। तो हमने जो ये रोल बना के रखा है उसको एक एक करके कढ़ाई में डाल देंगे, बहुत ही आराम से डाल दें, नहीं तो तेल गर्म है, ज़रा सा भी छिट्टे हाथ पे आएंगे तो हाथ जलने का डर रहेगा। एक बार में जितने आए उतने ही डालें आसानी से, जितना तल सकें। तो बहुत ही कम कम मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े करके तलूंगी, दो से तीन बार में। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम करके और एक मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि एक साइड से ये बढ़िया से पक जाए। ये देखिए एक मिनट के लिए ये अच्छे से सिक गया एक तरफ से, तो अब मैं इसको पलट दूंगी और दूसरी साइड से भी इसको पलट के ऐसे ही एक से डेढ़ मिनट के लिए सेक लेंगे। अभी एक से डेढ़ मिनट बाद दूसरी साइड से भी सिक गया है, तो हम इसको फिर से पलट देंगे और अब गैस की फ्लेम हाई करके और दोनों तरफ से उल्टा पलटी करते हुए इसको बढ़िया सा सेक लेंगे क्रिस्पी होने तक। अब ये दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया सिक गया है क्रिस्पी क्रिस्पी, तो अब हम इसको निकाल लेंगे कढ़ाई से और दूसरे बैच वाला ऐसे ही फिर से तल लेंगे। अब हम टिफ़िन लगा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जब ये वाली रेसिपी आप देंगे बच्चे के टिफ़िन में ना, तो उसे बहुत ही पसंद आएगा। आप खुद भी खा के ट्राई करके देखिएगा, आप स्नैक्स टाइम पे इसको खा सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये देखिए साथ में जो छोटे वाला डब्बा होता है ना, इसमें मैंने ये एक मफिन्स रख दिया है, तो आप इसकी जगह पर फ्रूट्स वगैरह जो भी देते हैं वो रख दीजिए। ये मैं मॉफिन से इसलिए दे रही हूँ कि एक चीज़ नमकीन देती हूँ बच्चों को, तो एक चीज़ मीठा ज़रूर देती हूँ, तो एक नमकीन खा के और एक मीठी चीज़ खा लेते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है, तो बच्चों को इस तरीके से बहुत पसंद आता है। और ये जो मैंने मॉफिन दिया है तो ये रैपर से पैक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से इसका हम छोटा ढक्कन भी लगाएं, क्योंकि ये छोटे वाले डब्बे से ऊपर निकल रहा है, तो ढक्कन लगाएंगे तो वो दब जाएगा, तो इसको ढक्कन नहीं लगाएंगे हम छोटे वाले का, डायरेक्टली ऊपर वाले से ढक्कन से हम इसको बंद कर देंगे। इस तरीके से जब आप अपने बच्चे को टिफ़िन देंगे तो यकीन मानिए बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, उन्हें बहुत पसंद आती है ये वाली रेसिपी। आप इस रेसिपी को क्या नाम देना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पनीर रोल, आटा रोल या आटे के पकौड़े, जो भी आपके दिमाग में आया आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो नीचे लाइक वाले बटन पर प्रेस करके लाइक ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।